विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच अनुपूरक बजट सहित अन्य संशोधन विधेयकों को पारित किया गया। संशोधन के बाद लाडली लक्ष्मी योजना में अब बालिकाओं को 1,43,000 रुपए मिलेंगे। वही विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सत्र को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया है। विधानसभा के तीसरे दिन पोषण आहार के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने को लेकर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन कांग्रेस ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने यह मुद्दा उठाया। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति लेते हुए कहा कि अब इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती है। इससे नाराज कांग्रेस विधायक अपने स्थान पर खड़े हो गए। हंगामा के चलते दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस बीच लाडली लक्ष्मी प्रोत्साहन संशोधन के साथ सिविल न्यायालय और अन्य महत्वपूर्ण बिल पास हुए। लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बालिका को 25,000 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे। योजना के तहत प्रथम वर्ष में 12,500 और अंतिम वर्ष में 12,500 रुपए दिए जाने हैं। यानी योजना में शामिल बालिकाओं को अब कुल 1,43,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही अनुपूरक बजट सहित अन्य संशोधन विधेयकों को पारित किया गया। सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक पांचीलाल मेड़ा ने विधानसभा अध्यक्ष से सुरक्षा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बुधवार को भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने उन पर जानलेवा हमला किया था। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। शिवराज जी, जिस तरीके से 2018 के चुनाव में आदिवासियों ने शिवराज सिंह जी को हराने का काम किया, लगातार आदिवासियों से बदला लेने पर उतारू है। आप देखो कि मेरा प्रदेश, हमारा प्रदेश, अपना सबका प्रदेश जो आदिवासियों का प्रदेश है। NCRB के आंकड़े ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड ये कहता है कि सबसे ज़्यादा आदिवासी बेटियों का अपहरण मध्य प्रदेश में होता है। और क्या कारण है कि एक आदिवासी विधायक ने अपने कारम डैम के भ्रष्टाचार को उठाने के लिए मोर्चा लिया तो उसका हाथ मरोड़ा गया। जब सदन में अपनी बात कहने के लिए कि मुझे मारा भार, मेरे पे हमला हुआ, पुलिस ने आने से रोका और मेरे कारम डैम की जो वस्तु स्थिति में आपके सामने लाना चाहता था उसको रोका, तो सदन के अंदर उमाकांत जी ने इन पर हमला किया, उसके वीडियो फुटेज है। और ये आदिवासी है इसलिए इस पे इस तरह का अत्याचार और अनाचार होगा। बीजेपी की सरकार ने ऐसे गुंडे मारने के सिवा कि हम सदन में भी बात नहीं रख सकते, क्या मेरा अधिकार नहीं है सदन में बात रखने का? आज पूरे प्रदेश में अन्याय और आदिवासियों के खिलाफ, आदिवासियों की बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, आदिवासियों के साथ में अत्याय हो रही है, कुपोषण का मामला पूरे प्रदेश को घेर देख रहा है। आज उमाकांत ने मेरा अपमान किया है कि मैं बात नहीं रख सकता हूँ। उधर बीजेपी विधायक उमाकांत ने भी विधानसभा अध्यक्ष से सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा उन्हें कांग्रेस से खतरा है, उनको मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने कांग्रेस विधायक मीणा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विधानसभा की कार्रवाई आज की देख ली जाए, जब इन्होंने प्रवेश किया था वहाँ के CCTV कमरे देखे जाए, कैमरे देखे जाए, इनका कुर्ता कहाँ फटा, कौन ने फाड़ा, मैंने तो आंखों से देखा है कि सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक खुद उनका बार बार कुर्ता फाड़ रहे थे। अन्य लोगों ने भी देखा होगा, मैंने तो अब सर से कफन बांध लिया है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।